और मैं आपसे भी कहूंगा, आप भी मत बताओ ज्यादा दुख किसी को। दुखों को भोगना ही सबसे बड़ा उत्तम श्रेय समय है। जो आदमी दुख जितने ज्यादा भोग लेता है, वो उतने ही विकास और उन्नति के पथ पे चल पड़ता है, उतना ही आगे जाता है। और जो दुख भोगने से परेशान रहता है, वो कभी भी सुख के जंजारों में पड़ता नहीं, वो कभी सुख के पुहारों में नहीं जाता, कभी फुलवाड़ियों में नहीं जाता। हमेशा दुखों के लिए खुला रखो दरवाजा, आने दो आने दो आने दो आने दो। भोगने तो हमको ही पड़ेंगे, क्योंकि वो फुलवारी हमारी है, वो किसी और की नहीं है। तो जल्दी भोग लो ना। अच्छा बोलो, आपका पैर अगर गंदगी में बिगड़ जाए तो आप उसे कितनी जल्दी सफा करना चाहते हैं? आप में से कोई ऐसा है जो गंदगी का पैर लेके जाके अपने घर में बैठे, फिर सो जाए और फिर कहे कि परसों धोऊंगा मैं, तो अभी ना टाइम मेरे पास, अभी कहां जरूरत है यार धोवे की। हाँ, जैसे गंदगी को आदमी तत्काल धोना चाहता है, वैसे ही दुख को तत्काल भोगो, नहीं तो ये पीछे लगा रहेगा लगा रहेगा लगा रहेगा। गंदगी और दुख में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, गंदगी को जल्दी धोना चाहते हैं और दुख को जल्दी लेना नहीं चाहते। सुख पहले आना चाहिए, दुख कभी आए ना। अरे आएगा क्यों, दुख है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बोलो, सब दालों में पत्थर आते हैं क्या? तो ऐसे दुख भी नहीं आएगा सबके जीवन में, और आएगा तो आएगा, वो है तो आएगा, टलेगा भी नहीं टालने से। और जो अटल है उसके लिए तो अपना सीना खोल के रखो, दरवाजा खोल के लगो, स्वागत करो उसका। संघर्ष और दुख, इनका स्वागत करना चाहिए। और सुख आए तो वो पड़ोसी अड़ोसी को बांट देना चाहिए, लो भाई आ गया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हम तो मस्त राम जी यही सीखे बचपन में। मस्त राम जी बचपन की कथा याद आ गई है यहाँ पे, पड़ोसियों को बांटने के ऊपर। कौन सी कथा, सुनो। बचपन में हम जब छोटे थे तो ब्याह शादी में डलिया आवई पूरी की, देहरी सिरई देहरी, तो बहन लेके आवई मीठी पूरी लड्डू वगैरह वगैरह। तो लड्डू पूरी घर में आवे तो इसका मतलब है सुख आया। तो वो सुख क्या होता था, उस सुख का बंटवारा होता था गांव में, पूरे गांव में सुख बंटता था। और जब गांव में सुख बंटता था तो 3 दिन के बाद वही सुख, जिनके घर 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 लड्डू पूड़ी गए, वो सब हमारे घर सुख लेके आते थे, गाने लेके, गीत लेके, भजन लेके, टोलियां बना के। ये सीखो महात्मा इंद्रदेव से, बांटने से सब रिपीट मिलता है। और अकेले सुख को भोग लेंगे तो सुख मिलने वाला नहीं है। दुख अकेले भोगो और सुख बांट के भोगो तो सुखी रहेंगे महाराज। और भैया यही फार्मूला है महात्मा इंद्रदेव का, ज्यादा से ज्यादा सुख बांटिए और सुखी रहिए, आनंद में रहिए, वैभव में रहिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा में रहिए। पर आप बड़े चालू हैं, देखो दूसरों की ओर धकेलना, सुख अपनी ओर लेना, इसीलिए सुखी नहीं है। सुख के लिए आदमी कहां कहां घूमता है, कहां कहां घूमिए, सुख मिलना चाहिए आपको। और ये सुख के लिए ही तो हो रही है कथा। पर मेरे पास में क्या है, कथा के साथ साथ मेरे पास में सब देवता प्रसन्न है। जामे अर्जुन कहां से भेज दे मैं ऐसी ऐसी बातें जो एकदम आदमी को सतर्क कर देती है, सिखा देती है। मैंने मस्तराम जी को बताई ये बचपन की बात, क्योंकि डलिया कौन समझे, ये दूसरे राज्य से आए, ये क्या समझ रहे हैं, देहरी सिरवो काय थे के में। समझा देता हूं थोड़ा हिंदी में, नहीं तो ये परेशान हो रहे महाराष्ट्र के, कि गुरुजी ने कहा कह दी हमें तो समझ ना आ रही। अरे भाई, घर में रिश्तेदार आते हैं तो वो केला लाते हैं, मिठाई लाते हैं, अमरूद लामे, सेब लामे। पहले पुराने जमाने में शादी ब्याहों में बहन और बुआ को पहले बुलाया जाता था, सवा महीना पहले। लाली देहरी पूजेगी, यानी कि बहन बुआ भांजी से आगमन होगा देवताओं का। बहन में बुआ में और भांजी में पहले देवता बास करे, और अब चुड़ैल बास करे। अब कोर्ट कचहरी बुआ भतीजी कर रही है, सबरी ऐसी तैसी कर डाली है, भैयन की, भतीजेन की, चाचा की, आजा चाचा आदो ले लूंगी बाप को हिस्सा ही। और पहले छोरी छापरी में देवता घुसे, गणेश जी आएंगे जब आ जाएंगे, पहले बड़ी बुआ आ जा।
बड़ी बुआ भी ऐसे ना आवे ही फिर, वो देवता बन के ही आवे ही। 10 किलो बूंदी के लड्डू, 20 किलो की पूड़ी, देवता बन के सब गांव को देवता बन के सबको सुख देने के लिए मीठा मुंह करवावे ही बुआ, तो फिर कैसे प्यार ना होगा बुआ से गांव वालन को। और आजकल बुआ आमती लड़ाई करवा दे भाभी भैया में काय को प्यार होएगा, आने की देर ना वही। और भैया भाभी लट्टू मार कर रहे, माने बलम मारे फेंक के पत्नी में एकदम बड़ाक करेगो खोपड़ी, सबरे घर में कांची कांच है गए। हाय राम, ये अचानक बादर कैसे फट गए, तो कहा ये ऐसे ही फट जामे बादर भाभी, सुन ली भाभी ने, ऐसा हाल है, समय बदल गया महाराज। पर मैं तो तुम्हें पुरानी कथा सुना करके सुखी देखना चाहता हूं, और मैं वो अनुभव बता रहा हूं जिससे सुख हमारे जीवन में आता है, दुख जाता है। सुख बांटोगे तो सुख मिलेगा, कोई संशय नहीं है भाई, मैं तो वही देख रहा हूं जीवन में।